नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एस्ट्रो तक देख रहे हैं तो जरूर लाइक करें, इसे शेयर करें, सब अपने दोस्तों को बताएं, और एस्ट्रो तक के उपायों को करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि अगर आप अपने जीवन में राजनीति में सफलता प्राप्त करना चाहते, एक नेता बनना चाहते, क्योंकि अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, नेताओं की तूती बोल रही है, अखबार टेलीविज़न सब जगह नेताओं के नाम आ रहे हैं, आपके मन में भी होगा कि मैं भी नेता बन जाऊं, एमएलए एमपी बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, कुछ तो बन जाऊं, तो मेरी भी पूछ होगी, मुझे हाथ में भी पावर आएगा। और बहुत से बच्चे जो है कॉलेज स्कूल में भी इलेक्शन लड़ते हैं, छात्र संघ का इलेक्शन लड़ते हैं, राजनीति प्रवेश करते हैं। तो कौन से ग्रह नक्षत्रों का ऐसा संयोग होता है जो इंसान को एक सफल नेता बना सकता है, कुंडली में क्या देखा जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी पहली बात यह है, नेता बनने के पीछे कौन से ग्रह होते हैं जो कि अच्छे होने चाहिए। पहला गुरु ग्रह, क्योंकि नेता जो होता है, अगर सही नेता हो जो लोगों के मार्गदर्शन को करना चाहता हो, लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं, उसकी हर जगह इज्जत हो, ऐसे नेता बनना चाहते हो, सही और सच्चे नेता बनना चाहते हो, देशभक्त नेता बनना चाहते हो, तो आपका गुरु ग्रह बलवान होना बहुत जरूरी है। तो अभी गुरु ग्रह मार्च के आखिरी में जा रहा है अपनी धनु राशि में, उसके बाद अच्छा संयोग बनेगा और चुनाव का वक्त भी चल रहा है। तो गुरु ग्रह अगर आपका अच्छा हो, उच्च का हो कुंडली में, भाई गुरु अगर मकर राशि में नीच का हो तो नहीं बने, लेकिन कर्क राशि में उच्च का हो, स्वराशि का हो, धनु या मीन में हो, या केंद्र में बैठा हो गुरु, चंद्रमा के साथ बैठा हो, तो गज के श्री राजयोग बनता है, केंद्र में होना चाहिए चंद्र और गुरु एक साथ। गुरु देता है राजयोग राजनीति में, तो गुरु अच्छा होना चाहिए। इसके बाद दूसरा कौन सा ग्रह जो राजनीति में टॉप पे ले जाता है, वो है शनि ग्रह। राजनीति का कारक ग्रह शनि भी है, क्योंकि कलयुग में शनि ही बलवान है। शनि क्या है? शनि आम जनता का कारक ग्रह है, यानी अगर आपका शनि अच्छा है, अगर तुला राशि में उच्च का है, मकर राशि में स्वराशि का है, कुंभ राशि में स्वराशि का है, मित्र राशि में है कन्या तुला इत्यादि के अलावा, वृषभ राशि में है, शनि आपका अच्छा है, शनि केंद्र में है, शनि आपकी कुंडली में जान है, तो आपको आम पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिलेगा और आप एक बहुत बड़े नेता बन सकते हैं, कोई भी चुनाव अचानक जीत सकते हैं जनता के सपोर्ट से। आज तक जितने भी भारत के प्रधानमंत्री बने, उनके केंद्र में शनि का बहुत बड़ा योग रहा, उनकी कुंडली में केंद्र में शनि का बहुत बड़ा योग था। केंद्र में शनि ना होता तो प्राइम मिनिस्टर कभी ना बनते, शनि ही इनको प्राइम मिनिस्टर बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है। तो शनि दूसरा है। दूसरा, अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, राहु वायु का कारक है, हवाई जहाज में उड़ाता है, यहां से लेके वहां पहुंचा देता है, टॉप पे ले जाता है, राहु की दशा चल रही हो तो दुनिया में दूसरा काम आप कुछ कर नहीं सकेंगे, सिर्फ राजनीति ही कर पाएंगे, राजनीति में ही आप फिट होंगे। लेकिन वही राहु अगर उच्च का हो, कन्या राशि में, कुंभ राशि में हो, बहुत जल्दी ऊपर आदमी राजनीति में सफलता प्राप्त करता है। तो राहु की दशा हो, राहु अच्छा हो कुंडली में, तो आदमी सफल हो जाता है। अब एक और योग होता है जिसे कहते हैं बुधादित्य राजयोग, जिसमें आपकी कुंडली में शुभ स्थान पर बुध और सूर्य अगर इकट्ठे बैठे हों तो बनता है बुध आदित्य योग। ये बुध आदित्य योग पहले घर में चौथे पांचवें सातवें दसवें ग्यारहवें भाव में बन जाए तो आप राजा हो जाते हैं, बहुत बहुत बड़े मंत्री बन सकते हैं।
एक बुध आदित्य योग है जो आपकी कुंडली में हो तो आपको राजनीति में सफलता दिला सकते हैं। और अब ये चीज़ है कि अब आप सोचेंगे भाई अगर मैं राजनीति में जाऊँ तो मुझे कुछ उपाय भी करना चाहिए, तो दो तीन उपाय फटाफट आपको बताता हूँ। पहला तो ये करना है कि राजनीति में सफलता के लिए राहु को प्रसन्न करने के लिए कबूतरों को बाजरा मक्का जरूर खिलाना चाहिए। इसके अलावा पुखराज अगर सूट करता हो या नीलम, दोनों से कोई एक सूट करेगा, पुखराज और नीलम धारण करना चाहिए। पिता की सेवा करनी चाहिए और पब्लिक को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को व्रत करके शनि का दान, काले चने काली उड़द वगैरह मंदिर में करें, जाकर के मंदिर में पूजा पाठ करें तो आप राजनीति में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। इस तरह से आपने जाना कि किस तरह से अगर आप एक सफल नेता बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए और कुंडली में कौन से योग होते हैं। मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। लेकिन एस्ट्रो तक देखते रहना, शेयर करना और अपने उपायों को ठीक से करना। नमस्कार।